عظيم جدا. अब उसी वक्त आपके घर में 10 गेस्ट आए हुए हैं और आपके पिताजी ने कह दिया कि इसमें ये बड़ा खाना खा लिया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? चाहे उसको व्यक्त करो या ना, ये हो गया। और बोलो, और आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपके पिताजी ने या आपके माताजी ने ये कह दिया कि ये गधा है, ना आदमी है ना कुछ हो रहा है, ये गधा है, कैसा महसूस हुआ? ये एग्जांपल है निर्मूलन का। निर्मूलन सर, एक ने आपका अधिमूलन किया, एक ने अवमूलन किया, एक ने निर्मूलन किया। अब जैसे सतवीर जी ने बात करी, कई जगह मैंने महसूस किया, इन्होंने महसूस किया, जैसी इनकी उपलब्धि नहीं होती है वहां हमारे को मान लो चीफ गेस्ट बना के और हमारे बारे में कुछ कुछ बातें बोली जाती है, हमारे को ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? इसका मतलब हमारा सम्मान नहीं हो रहा, सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान की पूर्ति जो है, उस भाव की पूर्ति जो वक्ता है अपने शब्दों से करता है, और हमें उसी टाइम पता लगेगा हाँ जो फैक्टर लगे। तो मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए, अधिमूलन, अवमूलन और निर्मूलन। ये आगे जब सम्मान अपने फैमिली वैल्यूज में जाएंगे, अगर परिवार में व्यवस्था करेंगे उस टाइम उन पे खूब लंबी चर्चा हो, ठीक है। ये जिस आदमी का आप सम्मान कर रहे थे, जिसका अवमूल्यन किया आपने या जिसका निर्मूलन किया या जिसका अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का मतलब ज़्यादा कर दिया, निर्मूलन का मतलब घाट कर दिया, और निर्मूलन का मतलब कुछ का कुछ कर दिया। जैसे मैंने गधे वाली बात, आदमी को आपने गधा कह दिया, ठीक है, या आदमी को आपने कह दिया ये बंदर से कहते हैं, या मेरा बेटा कोबरे से ही कहते, उसको कैसा महसूस हो? उसको आपने आदमी और औरत और इससे सबसे निकाल के कौवा बना दिया, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल इस चीज के। तो वो जिस आदमी के बारे में हम कहते हैं, वो चाहे उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करे या ना करे, उसको उस टाइम अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा नहीं लगता? उसका सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान का मतलब है मूल्यांकन, सही मूल्यांकन नहीं हो रहा। और जब भी हम गलत मूल्यांकन करते हैं, हम इन तीन कैटेगरी को करते हैं, अधिमूल्यन करते हैं, अवमूल्यन करते हैं या निर्मूल्यन करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं ये आपकी शेर है, ये सम्मान है कि अपमान है, उसी टाइम उसको पता लगता है शेर को। सर, हम गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनका कोई एक पहलू हमें पसंद नहीं आता, समाज को पसंद नहीं आता, लेकिन वो तो फिर उसकी उसके अंदर है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, अधिमूल्यन कर रहे हैं, अवमूल्यन कर रहे हैं या निर्मूल्यन कर रहे हैं। जो मूल्यांकन है, सही मूल्यांकन कर रहे हैं। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, सही मूल्यांकन है, कोई चीज ठीक नहीं लगती, सही मूल्यांकन। जैसे मान लीजिए आप ये कहते हैं कि पाठक जी बात तो अच्छी करते हैं लेकिन कोट अच्छा नहीं पहने हुए, है ना, क्यों अच्छा नहीं है कोट? तो उनके उनका जो कंधे हैं वो उतरे हुए हैं, है ना, तो आप सही मूल्यांकन कर रहे हैं उनका भी। नहीं, आप सही मूल्यांकन कर रहे हैं। सम्मान क्या होता है? उनमें जो अच्छाई है उसको स्वीकार कर रहे हैं, उनमें जो अच्छाई नहीं है उसको हम नहीं स्वीकार कर रहे। तो यदि हम किसी में केवल अच्छाई ही हो ऐसा हम स्वीकार करना, ये भी ठीक नहीं। यानी कि वो जिस रूप में है उसी में स्वीकार करना। तो सम्मान करना का मतलब होता है सही तरीके से मूल्यांकन करना। जैसे मान लीजिए हम किसी आपको बुला के यहाँ कह दें, है ना, कि आप जो हैं इस देश की या विश्व की सबसे बड़ी लेखिका है, है ना, आपने ऐसी रचनाएं लिखी हैं, वैसा लिखा है, ये सम्मान है? नहीं है सर, नहीं। अगर मेरे में वो योग्यता नहीं है तो योग्यता नहीं है तो ना समाज को स्वीकार होगा, ना आपको स्वयं स्वीकार होगा, कहने वाले को तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो सम्मान का मतलब होता है सही मूल्यांकन करना। अब हमको ये सही मूल्यांकन करना आता है कि नहीं आता है? यदि हमको आता है तभी हम सम्मान करने में सक्षम होते हैं, नहीं हम सक्षम नहीं कर पाते।
जैसे हम मैं अभी इन्होंने कहा कि हम किसी को गधा बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, इसको लोग अपमान मानते हैं, लेकिन हम यदि किसी को शेर बोलते हैं ये सम्मान क्या है? वो लगता है वो सम्मान ही हो सकता है, वो उसी टाइम आप उनसे अगर पूछिए कि आप वही आप हमको लगता है जो जागरूक होगा उसको तो लेकिन जो आशा मास्टर कि हमसे बड़ा शेर है तो उसको तो हमसे ये मैं शेर जैसा हूँ हमको ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपने आप को बढ़ा नहीं पाए तो इसको और विस्तृत कर दिया है ना। जैसे हम किसी को कहते हैं तुम जानवर हो उसको अच्छा लगता है। जानवर तो फिर अलग शब्द है, जैसे शेर भी जानवर है कि नहीं है? शेर भी शक्तिशाली हमको लगता है उसको अपने बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाता, इसीलिए शेर से लगता है वैसे ही। जैसे आपने बताया कि जिंदा जैसा है मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ उसमें, केवल आपका ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। जब हम किसी में कहते हैं तुम जानवर हो उसको बुरा लगता है, अब उसको कहते हैं तुम शेर हो उसको अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको मूल्यांकन करना नहीं आता। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आदमी श्रेष्ठ होता है या शेर श्रेष्ठ होता है? आदमी को शेर कह के हम क्या कर रहे हैं उसका निर्मूल्यांकन कर रहे हैं, कुछ कुछ पुस्तकों में कुछ कुछ जगहों में तो शेर को भी श्रेष्ठ कहा गया है। मैंने आपसे ये कहा आप खुद अपने में देखिए किसने क्या कहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, आपको क्या लगता है इसको जांचने की जरूरत है। अभी किस किताब में क्या लिखा है हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं क्या मानते हैं, हमको क्या लगता है आपको क्या लगता है? आपने ये कहा शेर से आदमी श्रेष्ठ होता है। मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे तरफ से कुछ कहना नहीं। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि शेर से आदमी महान है। महान है, ठीक है। अब यदि हम किसी को शेर कहते हैं तो कैसे सम्मान करते हैं? उसकी सब विशेषता को उसकी श्रेष्ठता है। आदमी को शेर कहते हैं तो शेर की तुलना में आदमी श्रेष्ठ है, तो यदि आदमी को ये कहते हैं भाई तुम आदमी हो मानव, ये ज्यादा सम्मान है कि हम उसे कहें कि तुम शेर हो ज्यादा। तो शेर के गुणों से तुलना की जा रही है, विशेषता को उपमा नहीं जा रही है। कौन सा गुण है सर? जो फाइट करने की पावर होती है उसकी ये बिल्कुल वैसे ही है मामला। स्त्रियों को हम छोटा मानते हैं वैसे ही हम ये मानते हैं कि जो दूसरों पे हमला करता है वो बड़ा होता है, वो शक्तिशाली होता है। हमारी मान्यता क्या है कि जो दूसरों को मार सकता है ना, दूसरों को हरा सकता है ना, वो बड़ा आदमी होता है। ये समाज की जो भ्रामक मान्यता है इसके कारण से शेर होने को सम्मान मिला वो नहीं, तो अंदर से कोई स्वीकार नहीं होता। अंदर से क्या स्वीकार होता है? आदमी श्रेष्ठ होता है शेर से, यदि वो आदमी है। सर हम सब यदि सभी जानवर हैं आदमी के शरीर में तो उन जानवरों में तुलना हो सकती है? कोई ये कहे कि साहब मुझे आप कुत्ता मत कहिए शेर कहिए। सर जब भी कुत्ते को वफादार कहा जाता है लेकिन हम उसकी वफादारी की तुलना फिर भी हम कुत्ते से, कुत्ते जैसा वफादार ऐसे कहे तो कितना अजीब लगता है। मतलब जब आदमी वफादार ना हो उस स्थिति में कुत्ते की वफादारी जो है आदमी कुत्ते को आदमी से श्रेष्ठ बना दे। आदमी में जब वफादारी ना हो उस स्थिति में कुत्ते की वफादारी जो है कुत्ते को आदमी से श्रेष्ठ बना देती। समझ में आ रहा है? मतलब मूल्यांकन हमको सही नहीं आता, और यदि हमको मूल्यांकन ठीक से नहीं आता हम सम्मान नहीं कर सकते, जबकि हम सब सम्मान चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि हम सम्मान से जिए, हम ये चाहते हैं कि सभी सम्मान से जिए, है ना। और सम्मान करना हमको आता नहीं है, क्योंकि हमने सम्मान के बारे में सोचे ही नहीं। सम्मान क्या चीज है? जैसे एक और शब्द है, आप सब विश्वास से जीना चाहते हैं या विश्वास में नहीं जीना चाहते, क्या होता है? अब विश्वास क्या होता है? यदि हम विश्वास क्या होता है इसको नहीं जानते, विश्वास को नहीं जानते हैं, तो क्या हम विश्वास में जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। आपको लगता है कि आप विश्वास में जानते हैं विश्वास क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने सम्मान की बात की, आप हम सबके अंदर इस बात की तो स्वीकृति है कि हमको सम्मान से जीना है। सर विश्वास किसे कहते हैं? भरोसा करना। कहाँ से हम आ जाए? पीछे से आवाज आ रही है। विश्वास कहते हैं किसे? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इस पे अपन बात करने बैठे हैं। अभी तो मैं केवल कुछ इशारे कर रहा हूँ आपको। देखिए जैसा हम जीना चाहते हैं, है ना, यदि हम वैसा जी पाते तभी सुखी होते, यदि हम जैसा जीना चाहते हैं वैसा नहीं जी पाते हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे हम विश्वास और सम्मान से जीना चाहते हैं तो विश्वास सम्मान में जीते नहीं हम सुखी हो सकते। हम जैसा जीना चाहते, जैसा उन्होंने कहा पीछे, क्या नाम है भाई साहब आपका? तरुण जी ने, है ना, उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम जी सकें। कहने का मतलब यही था, उनका मतलब ये नहीं था कि हम मन मर्जी से जीना चाहते, उनका मतलब ये था कि हम जैसा अच्छा जीना चाहते हैं वैसा जी जाए, है ना। तो मैं भी उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम सम्मान और विश्वास के साथ जीना चाहते हैं। यदि हम वैसा जी जाते हैं तो कोई तकलीफ ही नहीं, सुख है। यदि हम जीना चाहते हैं सम्मान से और विश्वास से और जीते हैं अपमान में और अविश्वास में तो हम सुखी हो सकते हैं। हम जैसा जीना चाहते हैं यदि वैसा जी पाते हैं तभी हम सुखी हो सकते हैं। ये प्रस्ताव ठीक है गलत है? दूसरी बात है, यदि हमको सम्मान क्या है और विश्वास क्या है ये पता है तभी हम जी पाएंगे या बिना पता हुए भी जी लेंगे? यदि हमको नहीं पता सम्मान, हम नहीं जानते क्या होता है सम्मान और विश्वास, फिर भी हम जी लेंगे सम्मान और विश्वास, तो समझना जरूरी है। मतलब अगर आप ये कहें कि हम ये शिविर की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत नहीं, हम तो सम्मान में जीने, ऐसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता। सर बहुत से लोग मानते ही ऐसा मान ही रहे हैं। लोग मानते नहीं है, अभी आपकी बात पूछो, आपको क्या लगता है? कई बार क्या होता है कि हमारे पास उत्तर नहीं होता है तो हम लोगों पे टाल देते हैं, ये ठीक प्रवृत्ति नहीं होती। हम अपने आप देखें हम क्या मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी के आधार पर बात करें। हम लोगों की बहुत ये एक हमारे समाज की आदत पड़ गई कि जब हमको कोई चीज़ नहीं आती तो गांधी ने ऐसा कहा, गीता में ऐसा लिखा है, है ना, कुरान ऐसा कहती है, बाइबल ऐसा कहती है, उधर हम चले जाते, अपने से हट जाते। उन्होंने कहा कि हम अपने को पहचानना चाहते, कहाँ गई वो हैं? आप लोग बता, ममता नाम है। तो आपने कहा कि हम स्वयं को जानना चाहते, ये बोला था ना। तो यदि हम गांधी के बारे में बोलते हैं, गीता के बारे में बोलते हैं, गीता में ये लिखा वो लिखा, हम अपने में देखते ही नहीं तो हम स्वयं को जान पाएंगे? गीता को जान जाएंगे उसमें क्या लिखा है,
स्वयं को नहीं जान, तो इसलिए स्वयं को जानने की प्रक्रिया से गुजरना है इस शिविर में। ये जो शिविर है इसमें जो एक एक बात है, जैसे आपने पूछा विश्वास क्या है, मैं कोई चीज समझा तो इससे कुछ होगा नहीं, आपको अपने में देखना पड़ेगा आप किसको विश्वास माने हुए। इसके बाद आप मुझे बताइए कि हम इसको विश्वास समझे हुए, हम सब लोग मिलकर जांचेंगे कि क्या ये विश्वास है या नहीं है, है ना। और हमको पता है कि जब हम लोग जांचेंगे, इस जांचने की प्रक्रिया में आप विश्वास नाम की चीज को पहचान देंगे। और ये पहचानना भी स्वयं नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है जैसे मैंने सम्मान के बारे में कुछ बात की, तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कहा और आपने मान लिया। आपने अपने में जानना शुरू, अपने में देखना शुरू किया, और देखने के बाद आपको लगा नहीं ये बात तो ठीक ही है, यही है। और वही स्वीकृति आपके अंदर की जो स्वीकृतियां हैं उसी को पहचानना है, स्वयं को जानना ही विश्वास है। ठीक बात है। क्या जानना स्वयं को, क्या क्या है तो फिर विश्वास नहीं। अब जानना चाहते हो उसका मतलब विश्वास नहीं। मैं पूछ रहा हूँ विश्वास क्या है, आप भी विश्वास नहीं है वो बता रहे। आप अपने परिवार में जो बाकी जो सदस्य हैं उनके साथ विश्वास से जीते हैं नहीं जीते हैं? जीते हैं। उस जीने को समझाइए कि किस प्रकार से आप जीते हैं जिसको आप कह रहे हैं विश्वास से जीते हैं। वैसे सर ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जो विश्वास और ये आपने शब्द बोले तो सम्मान हमें इनका पता तो है, लेकिन जैसे ये शब्द नहीं दे पाते इनको। कोई बात नहीं, सबकी स्थिति यही रहती है। जब मैंने समझना शुरू किया था मैं भी नहीं दे पाता था, धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा। लेकिन समझ में आने लगा इसका मतलब क्या होता है, मैं स्वयं में देख पाया, ये विश्वास है। अभी मैं आपको अभिव्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभिव्यक्त थोड़ा सा विलंब से करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ, ताकि आप अपने में देखना जारी रखें, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आप तुरंत उस जगह पे देखने लगेंगे। देखें जो आपके मिलेंगे